हाई फूडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, स्वस्थ एंड मस्त। तो आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ज़्यादातर इस रेसिपी को हम तभी बनाते हैं जब हमारे यहाँ कोई पाठ पूजा हो या सत्यनारायण की कथा हो। तो आज हमारे यहाँ पूजा है और भोलेनाथ के भोग के लिए मैं ये आटे का चूरमा बनाने जा रही हूँ और आपके साथ यही रेसिपी शेयर करूँगी विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने दो बड़ी कटोरी आटा ले लिया है, नॉर्मल आटा जो आप घर में यूज़ करते हैं, और इसमें हमने 2 टेबलस्पून इसमें डाले हैं हमने देसी घी के। अगर इसकी वैसे क्वांटिटी पूछोगे तो आप ये 400 ग्राम आटा होगा और 40 ग्राम घी होगा। तो इन सबको हम एक जान करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक जान कर देंगे और घी और आटा दिखे नहीं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे आधी छोटी कटोरी मिल्क। ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, ना गर्म है ना ठंडा है। इसे हम ऐड करेंगे और इन सबको भी अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे कॉन्टीन्यूसली। बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बना रहे हैं, और इसे पहले हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे हाथों से मसल मसल के तोड़ेंगे, ठीक है, इस चूरमे को आटे का, क्योंकि टेक्सचर वो उतना ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं हम, जो चूरमे का टेस्ट होता है ना, क्रंच क्रंच जो आएगा। तो हम ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, ये सदियों से चलती आ रही है, मेरी दादी नानी की रेसिपी है, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ और वही बनाना सिखा रही हूँ। मैंने भी किसी से सीखा ही है और मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो ये बहुत ही धांसू बन गई थी, इतनी डिलीशियस बन गई थी। और वैसे भी भोग का प्रसाद तो बहुत ही ऑसम ही बनता है। तो जैसे आप देख सकते हैं वो ग्रेन्यूल्स को जो हमने पहले फॉर्म करे थे, अब हम उन्हें तोड़ रहे हैं हाथों से, हथेलियों की हेल्प से, इस टाइप से, ताकि ये दानेदार बन जाए हमारा आटा देसी घी और दूध की हेल्प से। अब ये रेडी हो चुका है, तो अब करेंगे इसकी बुनाई कॉन्टीन्यूसली लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसे हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे घी और ऐड करेंगे, इसमें तो अभी आधा भी घी नहीं है, जितना 40 ग्राम डाला था, तो इसमें अब हम 40 ग्राम ही 2 बड़े चम्मच घी और ऐड कर देंगे। 2 नहीं अब 3 बड़े चम्मच घी हम ऐड करेंगे। घी अब मतलब जितना डालो आप उतना अच्छा लगता है, काफ़ी। अब इसको कॉन्टीन्यूसली चलाते हुए हम भूनेंगे और जब तक इसमें से सौंधी सौंधी सी, और जो आटे के भूनने के बाद एक बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आती है ना, वो खुशबू जब तक ना आ जाए इसे भूनेंगे। ओह, ये भून के रेडी हो गया, ये सारा स्किप कर दिया मैंने बीच के, और सीधा वो फाइनल स्टेप आ गया है। ये भुन गया है, 10 मिनट लगे होंगे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर, कॉन्टीन्यूसली चला रहे थे। आपको इसको कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग भी सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये भुन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, वैसे किशमिश तो उसमें इतनी टेस्टी नहीं लगती, तो हमने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच हमने काजू ले लिया था, टुकड़ा काजू, और 1 बड़ा चम्मच ले लिया था हमने बादाम, उसके भी हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, टुकड़ा बना लिया था। उन सबको अब हम 1 छोटा चम्मच घी डाल के उन्हें रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं 1-1 चम्मच है ये काजू भी और बादाम भी। किशमिश मैंने डाल के भी स्किप कर दी, क्योंकि उसमें वो जब बाइट में खट्टा टेस्ट आएगा किशमिश का, तो उतना टेस्टी नहीं लगता। आप लोगों को पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं किशमिश भी, मैं सिर्फ काजू बादाम ही डाल रही थी। और उन्हें रोस्ट करके डालने से उसका टेस्ट और बढ़ जाता है, तो आप भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। अब हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल के इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है, और इसमें हमने शामिल कर दिया अपने ड्राई फ्रूट्स। इसे और हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। आप इसमें चीनी का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर डालने से इसका टेस्ट 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तो ये शक्कर वाला, पहले मैंने चीनी वाला चूरमा भी हमारे यहाँ बना है 1-2 बारी, मैंने तो नहीं बनाया, मैं तो ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ इसे शक्कर वाला चूरमा।
तो इसमें 2 कटोरी अगर ये हमारे आटा था तो हम 1 कटोरी ही शक्कर ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर बढ़िया मीठा चाहिए तो 1 कटोरी परफेक्ट है। तो हमने 1 कटोरी इसमें शक्कर ऐड करी है, 2 कटोरी अगर आटा था तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कम ज़्यादा। आप चीनी के बुरादे वाला भी बना सकते हैं अगर आपके पास शक्कर नहीं अवेलेबल है। वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे। देन इसको भी डाल के मिक्स करेंगे कंटिन्यूअसली, लेकिन आपका आटा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो शुगर जो आप डालोगे ये शक्कर वो मेल्ट हो सकती है और उसका बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो आपको बिल्कुल आटे को ठंडा कर लेना अपने चूरमे को। बस अब क्या करना है, फाइनल स्टेज चल रही है, इसको बढ़िया सा मिक्स करेंगे। भोग का प्रसाद आपका रेडी हो चुका है, तो बस अब मज़े से भोग लगाएंगे और फिर सब लोग खाएंगे इस प्रसाद को। अगर सर्दियों में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये वाला आटे का चूरमा, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और इसे स्टोर कर सकते हैं हम 10-15 दिन तक, तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में तो 2 महीने तक भी नहीं ख़राब होगा। और क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, आटा भुन चुका होता है और उसमें घी भी ऐड होता है, तो भुनी हुई चीज़ तो जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मुझे बताइएगा कि कैसे बना था। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ठोक ठोक के लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट अभी तो 9 बजे, चलो फिर भी गुड नाइट, बाय।